तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल रेडी रूट्स में। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज मैं यहां पर करने वाला हूं Realme C15 की अनबॉक्सिंग। तो ये है मेरे पास यहां पर Realme C15 का बॉक्स और ये यहां पर हो चुका है लॉन्च इंडिया में। तो दोस्तों ये वीडियो मैं लॉन्च के बाद यहां पर बना रहा हूं। तो इसमें दोस्तों जो आपको कुछ हाईलाइट्स मिल जाते देखने को है 6000 mAh की बैटरी, साथ में दोस्तों आपको मिल जाता है 13 MP का कैमरा और 6.5 इंच की HD+ वाली डिस्प्ले। साथ ही आपको दोस्तों 18 W का क्विक चार्जर इसमें देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छी बात है। आपकी 6000 mAh की बैटरी टाइम से यहाँ पर चार्ज हो जाएगी। तो लेकिन दोस्तों इसमें क्वाड कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलता है, जबकि जो Realme C12 इसके साथ लॉन्च हुआ है उसमें सिर्फ आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप ही देखने को मिलेगा। तो इसकी दोस्तों मैं प्राइस यहां पर आपको लास्ट में बता दूंगा और ये कब यहां पर सेल में आने वाला है वो भी मैं इस वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं कुछ इसके और फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां पर वेरिएंट की, तो मेरे पास है यहां पर 4GB 64GB वाला वेरिएंट। तो चलिए खोल लेते हैं इस बॉक्स को फटाफट। तो दोस्तों खोल लेते हैं इस बॉक्स को, और इस बॉक्स को खोलने के बाद आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा ये डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन, और उसी में आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर सिम इजेक्टर टूल। तो चलिए दोस्तों इसको भी रख लेते हैं साइड और देखते हैं कि क्या कुछ खास है इस फ़ोन में। तो दोस्तों इसको भी मैं कर लेता हूँ यहाँ पर साइड, और जब भी हम फ़ोन को यहाँ पर निकालते हैं बाहर तो वेट थोड़ा दोस्तों है इस फ़ोन का, क्योंकि इसमें 6000 mAh की बैटरी आपको देखने को मिल जाती है। और दोस्तों कलर मेरे पास यहाँ पर ब्लू कलर है, और काफ़ी वेट तो दोस्तों है इस फ़ोन का लगे आपको। और इसके नीचे दोस्तों आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर चार्जर और आपका डाटा केबल, जो कि टाइप सी यहाँ पर देखने को आपको नहीं मिलती। तो दोस्तों ये एक टाइप बी यहाँ पर चार्जर है। तो जो चार्जर है दोस्तों वो आपको 18 W का यहाँ पर देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पर 18 W का चार्जर, क्योंकि दोस्तों आपकी बैटरी भी यहाँ पर बड़ी है। तो उस हिसाब से दोस्तों ये कम से कम मेरे ख्याल से 2 घंटे तो तब भी दोस्तों आपके लग ही जाएंगे 6000 mAh की बैटरी फुल चार्ज करने में। तो इस दोस्तों चार्जर को रख लेते हैं साइड में और देख लेते हैं कि इस बॉक्स में और कुछ रखा है कि नहीं। तो दोस्तों इस बॉक्स में और आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों खोल लेते हैं इस फ़ोन को फटाफट से। तो दोस्तों प्लास्टिक की कवर को मैंने यहाँ पर हटा दिया है, ये है हमारा प्यारा सा फ़ोन। तो स्टिकर भी दोस्तों मैं यहाँ पर इससे हटा लेता हूँ। तो दोस्तों स्टिकर हटाने के बाद मैं बताता हूँ कि कैसा है इस फ़ोन का डिज़ाइन। तो दोस्तों डिज़ाइन आप देख सकते हैं कि कुछ इसमें डार्क ब्लू कलर भी आपको सेंटर में दिया गया है और लाइट ब्लू कलर आपको ऊपर नीचे दोनों तरफ दिया गया है। ये एक प्लास्टिक बॉडी है दोस्तों, और प्राइस के हिसाब से दोस्तों ठीक ठाक है डिज़ाइन इसका, ना बुरा भी नहीं है। और साइड भी दोस्तों यहाँ पर प्लास्टिक की आपको प्रोवाइड की गई है, कुछ भी चीज़ यहाँ पर मेटल की आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और एक यहाँ पर क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाएगा बैक साइड पर, बाकी इसमें यहाँ पर कुछ भी देखने को आपको नहीं मिलता। साथ ही Realme की एक ब्रांडिंग यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसके कुछ और फीचर्स की, तो आप देख सकते हैं कि पावर बटन आपको यहाँ पर दिया गया है, उसके साथ वॉल्यूम रॉकर्स आपको दिए गए हैं। ऊपर की तरफ दोस्तों आपको कुछ भी दिया गया नहीं है, साइड में आपको सिम ट्रे यहाँ पर दी गई है। तो इसको भी दोस्तों चेक कर लेंगे हम किस टाइप की आपको देखने को मिलती है। नीचे दोस्तों आपको यहाँ पर 3.5 mm का ऑडियो जैक, माइक और आपका यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर देखने को आपको मिल जाता है। अगर दोस्तों बात करूँ यहाँ पर फ्रंट में, तो फ्रंट में आपको 8 MP का एक कैमरा देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों चलिए दोस्तों बात करते हैं इसकी स्क्रीन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 6.52 इंच की HD+ वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और ब्राइटनेस भी आपको यहाँ पर ठीक ठाक देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर इसके सिम के बारे में। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर इसकी सिम ट्रे को देखेंगे, तो यहाँ पर ट्रिपल स्लॉट आपको देखने को मिल जाएगा, आप एक मेमोरी कार्ड, 2 SIM यहाँ पर लगा सकते हो ईजीली। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके कुछ और फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर इसके फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि दोस्तों ये यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट सेंसर है थोड़ा सा आपको टाइम लगा देगा, उतना फास्ट नहीं है। तो एवरेज सा टाइम दोस्तों ये लेता है, तो दोस्तों ठीक ठाक है, लेकिन इसके प्राइस के हिसाब से दोस्तों मुझे ये ठीक लगा यहाँ पर। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां पर इसके कैमरा सेटअप के बारे में, तो आपको यहां पर प्राइमरी सेंसर 13 MP का देखने को मिल जाएगा, साथ में एक वाइड एंगल कैमरा 8 MP का, और साथ में 2 MP के यहां पर आपको 2 सेंसर और देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां पर इसके प्रोसेसर की, तो दोस्तों इसमें आपको Helio G35 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा,
जो कि दोस्तों एक गेमिंग के लिए तो अच्छा प्रोसेसर नहीं है, लेकिन अगर डे टू डे लाइफ में आप इसे यूज़ करेंगे तो कोई आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं आएगी। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसके प्राइस की, तो ये आपको यहाँ पर 10,000 रुपीज़ से स्टार्टिंग आपको मिलेगी, जो इसका लोअर वेरियंट है 3 GB वाला। तो और दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इसके सेल की, तो दोस्तों ये यहाँ पर 27 अगस्त को आपको सेल पर दिख जाएगा फ्लिपकार्ट पे। तो दोस्तों मैं इसका कैमरा रिव्यू भी यहाँ पर आपको लेकर आऊँगा एक दो दिन। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हुआ आपसे अगली वीडियो में। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा।